अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको एक और व्लॉग में खुश आमदेद। आज मैं जिस जगह पे आया हूँ इसे बोलते हैं नथियागली लालजार पार्क। नथियागली अब्बोटाबाद से तकरीबन 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और आपको अपनी गाड़ी पे यहाँ तक आने में तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। नथियागली टॉप पे आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा। नेशनल पार्क के बिल्कुल साथ लालाजार पार्क का ट्रैक है। ये ट्रैक तकरीबन 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर ट्रैक बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रैक बना हुआ है, अब तो बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन इससे पहले जब था ये ऑफ रोड ऑफ ट्रैक किस्म का एक ट्रैक था, लेकिन अब बहुत अच्छा ट्रैक है। जहाँ पे स्टीप है वहाँ पे स्टेप्स हैं और आपको जगह जगह पे टाइल्स नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे टॉप पे आने के बाद आपको एक खूबसूरत सा इन्वायरमेंट मिलता है। एक कैंटीन है यहाँ पर जहाँ पर आप अपनी रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन सेंटर है यहाँ पर जहाँ पर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो जहाँ पर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड या बॉटनी से रिलेटेड यहाँ पे जो हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं या प्लांट्स हैं उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा इस पार्क में आपको कैंपिंग की सहूलियात भी मिलती हैं। मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आप बारबेक्यू के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। शेड्स लगे हैं जगह जगह पे। इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन चीज़ है यहाँ पे बच्चों के लिए वो यहाँ पे एनिमल्स हैं जिनमें रीछ है, लिपर्ड है, मारखोर है और कुछ फिजेंट्स भी हैं। होपफुली मुझे आज ये सब चीज़ें दिखाने का मौका मिले। अभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ और साथ साथ आपको लेके चलूँगा जो जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले यहाँ पे आया कई दफ़ा मैं आ चुका हूँ, वो सब आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और साथ साथ बात करेंगे। और इसी ट्रैक पे इस लालाजार पार्क को ट्रैक क्रॉस करने के बाद मुश्कुरी का ट्रैक भी मिलता है। तो आइए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स, नथियागली का मौसम देखें आप कितना ज़बरदस्त हुआ हुआ है। इस वक्त बादल बिल्कुल ज़मीन पे हैं और ये लालाजार पार्क का नया ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको बोर्ड भी नज़र आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम ऊपर जाएँगे। आप देख रहे हैं लोग आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रैक को फॉलो करते करते ऊपर आ रहे हैं और ऊपर आते आते यहाँ से होते हुए रेस्टिंग शेड्स भी यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं। फिर हम यहाँ से जाएंगे ऊपर की जानब जाते हुए। फिर ये ट्रैक आगे 1 किलोमीटर, वो जो सामने स्टेयर्स हैं बादल में सब नज़र नहीं आ रही, वहाँ से 1 किलोमीटर आगे ये मज़ीद और वॉक करना पड़ता है हमें। अच्छा, वो लोग जो यहाँ पर आते हैं और वॉक उनके लिए दुश्वार है तो यहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। बिल्कुल बेस में जहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ट्रैक, वहाँ पे घोड़ों वाले लोग खड़े होते हैं और वहाँ पे कुछ पैसे लेके बार्गेनिंग आप उनके साथ कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ पैसे लेके आप हॉर्स राइडिंग करते हुए लालाजार पार्क तक जा सकते हैं। इस ट्रैक पे वॉक करते हुए आपको जगह जगह पर ऐसे शेड्स मिलेंगे जहाँ पे आप बेंचेस पे कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं और अगर बारिश है तो बारिश की सूरत में आप यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर सकते हैं बारिश ख़त्म होने का और एंजॉय कर सकते हैं नेचर को। तकरीबन 1 किलोमीटर का ट्रैक जो है वॉक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है लालाजार पार्क का मेन गेट। ये सामने लालाजार पार्क का मेन गेट है। गेट से इंटर होते ही आपको यहाँ पे 2 ट्रैक नज़र आते हैं। एक लेफ़्ट को जा रहा है और एक राइट को। जो राइट वाला ट्रैक है ये इन्फॉर्मेशन सेंटर, कैफ़े और कैफ़े से होते हुए आगे फिजेंट्री के जो केजेस हैं उसकी तरफ लेके जाता है, जबकि जो लेफ़्ट वाला साइड का ट्रैक है ये फर्दर आगे फिर 2 जगहों पर डाइवर्ट हो जाता है। एक कैंपिंग एरिया की तरफ और दूसरा जो है मुशकुरी टॉप का जो पाथ है उस तरफ आप जा सकते हैं। ये लालाजार पार्क की मस्जिद है। स्टेयर्स वाला रास्ता जो है वो आदमियों के लिए और जो उस साइड पे आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है उसका रास्ता आप यहाँ से इस साइड जाना। कि ख़वातीन का सेपरेट इन्होंने पार्टीशन किया हुआ है, यानी एक ही जगह पे पार्टीशन हुई हुई है और ख़वातीन और मर्दों के लिए एक मस्जिद यहाँ पर आपको मिल जाएगी। पार्क में एंटर होते ही राइट साइड एक छोटा सा ट्रैक है ये वाला, जो कि आगे फिजेंट्स के केज हैं यहाँ पे। तो इस तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। व्यूअर्स, यहाँ पे काफ़ी सारे केजेस बने हुए हैं और इनमें डिफरेंट फिजेंट्स हैं। मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है फिजेंट्स की और केज भी ऐसे हैं कि शायद मैं आपको दिखा ना सकूँ, लेकिन मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर वाइट फिजेंट के बारे में एक बोर्ड लगा हुआ है और वो बैठा हुआ भी है। ये है ग्रीनवुड फीजेंट। ये है जी रिंग नेक्ड फिजेंट। थोड़ा सा दूर है, शर्मार है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। एक और ख़ूबसूरत फिजेंट लेडी हैमरेस्ट फिजेंट, शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। राइट साइड पे जो केजेस हैं उनमें ये वाले फिजेंट्स हैं, बहुत खूबसूरत फिजेंट है। लालाजार पार्क में ही वॉक करते करते जब हम थोड़ा सा आगे हैं तो यहाँ पे एक केज है जहाँ पे कॉमन लेपर्ड जैसे हम बोलते हैं, तेंदुआ, उसको रखा गया है। और अगेन ये समर सीज़न में यहाँ पे होता है, इसके बाद जब विंटर होता है तो इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो देखते हैं वो सामने आता है कि नहीं। लोग तो यहाँ पर देख रहे हैं उसको, हम भी कोशिश करते हैं कि उसका एक खत शॉट ले लें। आइए देखते हैं। लेपर्ड बहुत प्यारा है लेकिन वो बाहर आ नहीं रहा, रेस्ट कर रहा है। और हम इस साइड पे जाते हैं। यहाँ पे इस पार्क के अंदर बारबेक्यू का जो सेटअप है उसका यहाँ पे सेटअप पर जाके देखते हैं। वहीं पे कैंपिंग भी होती है और लोग जो है यहाँ पे आके फैमिलीज एंजॉय करते हैं, बारबेक्यू वगैरह बनाते हैं। तो चलें इस तरफ चलते हैं। लेपर्ड के गेट से लेफ़्ट साइड पर थोड़ी सी वॉक की है मैंने, 50-60 मीटर ही। और यहाँ पर टॉप पर आके एक प्लेन सी सर्विस आती है। यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा हट बना हुआ है जहाँ पे फैमिलीज़ आके अपना बारबेक्यू का सेटअप लगा सकते हैं। और यहाँ पे कालीन वगैरह बिछा के छोटी सी पिकनिक का इत्माम किया जा सकता है। आपको अंगीठी मिल जाएगी, बस आपको अपने साथ कोयले वगैरह लाने होंगे। और यहाँ पे आप उनको सीखें भी आपको लानी पड़ेंगी क्योंकि सीखें अवेलेबल नहीं है। जस्ट कोयले और सीखें आप अगर लेकर आएँ और बाकी अपने बारबेक्यू का सामान, तो यहाँ पर आपको अंगीठी अवेलेबल होती है। और शेड भी है यहाँ पर। मज़े की बात है कि बारिश के सीज़न में या बारिश हो जाए अगर आप, तो कोई परेशानी वाली बात आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा बेंचेस वगैरह भी लगे हुए हैं और वहाँ पे भी एक बेंचेस लगी हैं, साथ ही साथ शीट भी है। यानी अब बारिश हो जाए तो आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है कि आप खुद को बचा सकें बारिश से। इसके अलावा ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, प्लेन है। यहाँ पर कारपेट या कालीन वगैरह या चटाई वगैरह बिछा के नीचे आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी वक्त गुजार सकते हैं। और ये जगह ख़तरनाक भी नहीं है, आप बच्चों को इजीली छोड़ सकते हैं, वो खेलें कूदें, यहाँ पे इंजॉय करें। प्यारे प्यारे फूल हैं, तितलियाँ आपको मिल जाएंगी और वेदर और एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट, आप फुली जो है ना जिसको इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद यही ट्रैक आगे जा रहा है और मज़ीद फर्दर डिफरेंट स्पॉट्स आपको मिलते जाएंगे यहाँ डिफरेंट फैमिलीज़ के लिए, ताकि आपको अगर एक जगह स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी जगह पे जाके अपना सेटअप वहाँ पे अरेंज कर सकें और एंजॉय कर सकें। और एक से एक जगह जो है वो पहले से बेहतर फील करेंगे, आप एंजॉय करेंगे। जैसे अभी हमने लास्ट जगह देखी थी, उससे थोड़ा सा ही आगे कर वॉक करके आएँ तो हमें यहाँ पर एक ऐसा फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पर दरख्तों के बीच में आपको एक किसी तरह की बैठने की जगह मिल जाएगी। चलें चलते हैं उस तरफ। जी व्यूअर्स, ये एक दूसरी लोकेशन है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आगे बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपनी पिकनिक यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप देखें इस लोकेशन का व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। आप बिल्कुल ही दरख्तों के नीचे हैं और शेड है, धूप भी नहीं लगेगी आपको। और यहाँ पे आप बैठ के अपनी इंजॉयमेंट कर सकते हैं, फैमिली के साथ वक्त गुजार सकते हैं और एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट एंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त चूँकि शाम हो गई है, थोड़ा सा लाइट जो है उसकी कमी है, लेकिन डे टाइम पे यहाँ पे बड़ा अच्छा सा एक व्यू होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दरख्तों के बीच में से जब शवाएँ नीचे आती होंगी तो वो कितना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करती होंगी। और बेंच भी आपको मिल जाएंगे, डस्टबिन भी है यहाँ पे, एक वॉशरूम भी बना हुआ है। इसके अलावा अगर बारिश हो जाती है तो वो एक शेडेड एरिया भी है जिसके नीचे जो है वो बेंच यहाँ पे आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं और आप यहाँ पे बैठ सकते हैं बारिश के वक्त के दौरान। और ये देखें यहाँ पे एक केबल्स जो लाई होंगी वायरिंग के लिए, उसका जो रोल था उसको ऐसे टेबल यूटिलाइज़ किया जा रहा है और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। उस पर बैठ के अगर आप अपने ही सामान से अपने ही चाय बनाई हुई इंजॉय कर रहे हो, लेकिन आप एक नॉर्मली जो आपके घर की चाय पीने का मज़ा है उससे ज़्यादा यहाँ पे आप तंदूर हो सकते हैं। पार्क में आने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे जगह जगह इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स मिलेंगे जहाँ पे एहतियाती तदबीर लिखी हुई हैं। जैसे ये बिल्कुल जैसे मैंने बताया यहाँ पे बारबेक्यू के लिए सेटअप किया जा सकता है, तो कैंप फायर जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है। लोग अक्सर आते हैं, वो देखते हैं लकड़ियाँ भी टूटी पड़ी हैं और घास फूस भी है, तो उनको अगर आप आग जला देंगे तो अच्छा होगा, लेकिन जंगल में ये चीज़ एक ख़तरनाक चीज़ साबित हो सकती है और ये आग जो है फैल सकती है, तो एहतियात बेहतर होती है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने साथ जो है वो स्टोव्स वगैरह लेकर आएँ, और अगर स्टोव्स नहीं भी आते हैं तो जहाँ पे इन्होंने अलाउ तभी सूरत में इसी सूरत में किया है कि आपको जगह जगह पे ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पे लास्ट टाइम में देखा कि एक पूरा शेड बना हुआ है जहाँ पे आपको अंगीठी मिल जाती है, तो आप इस तरह की लोकेशन में आके एहतियात ज़रूर करें ताकि अपना भी बचाव किया जा सके और नेचर का भी। रास्ते में चलते चलते आपको जगह जगह ऐसे खूबसूरत फूल मिलेंगे जिनमें मेजॉरिटी जो है ये वाइट फ्लावर्स की है, लेकिन मैंने यहाँ पे पिंक और ब्लू भी देखे हैं, तो ये यहाँ पे जगह जगह पे आपको रास्ते में नज़र आएंगे। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट लालाज़र पार्क के एंड तक आ गया हूँ। सामने जो है वो एंड गेट है इसका, और यहाँ पे इस तरफ मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो टॉप पे जो हिल है उसकी बैक साइड पे भोजपुरी पीक आती है, जो कि इंतहाई खूबसूरत लोकेशन है और ट्रैक है, ज़बरदस्त हाइकिंग ट्रैक है। तो ये कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे दरख्त लग रहे हैं, एंड इस जगह पर यहाँ पे केज भी है जहाँ पे पहले जो था वो एक रीछ होता था, लेकिन अब तो नहीं नज़र आ रहा मुझे, लेकिन उसका बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले लिपट देखा था यहाँ पर, और भी इन्होंने यहाँ पर एनिमल्स को रखा हुआ है जो कि इस सीज़न में ख़ासकर जो समर सीज़न होता है वो यहीं पे होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मानसेरा के करीब एक जगह है टुड्याल उसे बोलते हैं, वहाँ पे उनको शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ पे फिर इनका एक हॉस्पिटल भी है और वहाँ पे उनकी लुक आफ्टर की जाती है। अच्छा, लालाज़ार पार्क में वॉक करते करते इंटरेस्ट के बाद थोड़ी सी वॉक करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे ट्रैक है। यहाँ पर जो गेट है यहाँ पर लालाज़ार पार्क एंड हो जाता है और यहाँ से लालाज़ार पार्क का फर्दर रास्ता मुशकुरी की तरफ जाता है। लास्ट टाइम में जब आया तो ये ट्रैक नहीं था, लेकिन ये ट्रैक मुझे पता नहीं है कहाँ तक आगे जा रहा है। मैं भी चलता हूँ जहाँ तक ये ट्रैक जाएगा और फिर उसके बाद वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मुशपुरी का ट्रैक जो है वो तो बड़ा थोड़ा सा टफ सा था, तो अभी मैं इस इरादे से आया भी नहीं हूँ कि मैं उस तरफ जाऊँ। लेकिन यहाँ पे आके ज़बरदस्त जो है व्यू है, सही ज़बरदस्त जिसे बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट, और बादल भी इस वक्त जो है ना आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहे हैं, और बारिश के बाद का जो मंज़र है, गीली हुई है सारी ज़मीन और पत्ते वगैरह, और बहुत खूबसूरत यहाँ पे इस वक्त माहौल बना हुआ है। और यहाँ पे वापसी के वक्त अगर आप लेट हो जाते हैं तो अक्सर टाइमिंग है गेट बंद हो जाता है, तो ये फ़ोन नंबर भी लगे हुए हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, अमानत और रियाज शाह जी यहाँ के फॉरेस्ट गार्ड हैं। इन केस कि अगर आपको गेट बंद मिलता है तो आप इनसे कॉल करके जो है वो फर्दर इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर गेट बंद हो तो फिर ये साथ साथ एक ट्रैक उतरता है यहाँ से नीचे नीचे, और ये बिल्कुल इसी इसके बिल्कुल ही फेंसिंग के साथ होते होते नीचे एंड तक ले जाते हैं हमें। तो इस नौबत तक ना आइएगा, क्योंकि बेहतर ये है कि आपकी टाइमिंग ऐसी हो कि आप असर के वक्त 4:30-5 बजे मैक्सिमम 4-4:30 बजे तक वापस आ जाएँ। तो अभी हम चलते हैं आगे, इस तरफ देखते हैं कि ट्रैक कहाँ तक है। लालाज़ार पार्क से जब गेट से आउट होते हैं हम तो थोड़ी सी वॉक करने के बाद यहाँ पे ट्रैक ख़त्म हो जाता है, और यही ट्रैक आधा आगे सीधा हमें तकरीबन 45 मिनट्स 50 मिनट्स डिपेंड ऑन योर पेस आपको ले जाता है भोजपुरी टॉप के ऊपर। तो आज का सफ़र मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आऊँगा तो कोशिश करूँगा कि भोजपुरी तक व्लॉग बनाऊँ। अब तक साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।